हेलो एवरीवन गाइस, तो आज मैं आपको ऐसे पांच स्टेप्स गाने वाला हूं जिसको आप किसी भी शादी पार्टी वगैरह किसी भी सॉन्ग पर यूज कर सकते हो। बिल्कुल सादा सिंपल स्टेप है, किसी भी तरीके से जिसको बिल्कुल डांस नहीं आता, जीरो है डांस में, वो भी इस स्टेप को कर सकता है। तो आज के स्टेप ऐसे शानदार रहेंगे पांच, तो देखते रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे स्टेप को सीखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, लेफ्ट पैर को साइड में उठा के रखना है, हाथ को ऊपर स्वाइप करना है। फिर राइट पैर को साइड में उठा के रखना है, हाथ को ऊपर स्वाइप करना है। तो थोड़ा स्पीड से करके देखते हैं कैसा लगेगा ये स्टेप आपको। 1 2 3 4 1 2 3 4 ज्यादा सिंपल स्टेप है, खाली पैर को इधर साइड में करना है, हाथ को ऊपर करना है। फिर राइट पैर को साइड में करना है, हाथ को ऊपर करना है। थोड़ा तेज करके देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है इसी तरीके का, थोड़ा सा अलग हटके इससे, और वो भी ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा स्टेप है, आप बिल्कुल भी किसी शादी वगैरह पार्टी वगैरह में कर सकते हो, किसी भी गाने पर यूज कर सकते हो। तो दूसरा स्टेप, तो देखते रहिए हमारे साथ। हाथों को पैरों को बराबर रखना है एक लाइन में, हाथों को इस तरीके से करना है। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना है, हाथों को ओपन करना है, बराबर में रखना है। फिर राइट पैर को पीछे ले जाना है, हाथों को ओपन करना है, पास मिलाना है, हाथ मिलाना है। फिर थोड़ा तेज करके देखते हैं, लेफ्ट पैर को 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये रहा दूसरा स्टेप। तो अब तीसरा स्टेप दिखाने वाला हूं मैं आपको, वो भी सादा सिंपल है, कहीं पे भी कैसे भी गाने पे यूज कर सकते हो। और आपको पंजाबी स्टेप, भोजपुरी स्टेप, कौन सा भी स्टेप चाहिए, तो हमारे चैनल पर धर्मेश राज डांस के चैनल पर आप जाकर सर्च कर सकते हो, आपको वहां पे सभी स्टेप सीखने के लिए मिलेंगे। तो तीसरा स्टेप है, पैर को थोड़ा साइड में करना है, हाथ को ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। राइट पैर को साइड में करना है, हाथों को ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। तो चलो करके देखते हैं थोड़ा तेज। 1 2 3 4 थोड़ा तेज करके देखते हैं कैसा लगेगा स्टेप। 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये रहा तीसरा स्टेप। अब आपको चौथे स्टेप दिखाने वाला हूं, वो भी साथ ही सिंपल रहेगा, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करती रहिए, आपको जरूर आ जाएगा, ज्यादा कठिन स्टेप नहीं है। तो पांचवा स्टेप है, पैर को थोड़ा पीछे करना है, हाथों को आगे स्वाइप करना है। ये वाला पैर पीछे करना है, इस हाथ को आगे स्वाइप करना है। तो चलो थोड़ा सा स्पीड से कर देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये रहा चौथा स्टेप। अब आपको लास्ट स्टेप और पांचवा स्टेप दिखाने वाले हैं, वो भी सादा सिंपल आएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, सीखते रहिए हमारे स्टेपों को। और किसी भी स्टेप की आपको अगर पंजाबी भोजपुरी कोई भी स्टेप चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको सभी स्टेप सीखने के लिए मिलेंगे वहां पे। तो पांचवा स्टेप है, पैर को लेफ्ट पैर को आगे उठाना है, हाथों को स्वाइप करना है, राइट को उठा के बराबर में रखना है, फिर हाथों को स्वाइप करना है। तो थोड़ा सा नहीं, हल्का स्पीड में करके देखते हैं हम। 1 2 3 4 तो ऐसे करके देखते हैं थोड़ा सा स्पीड से। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये रहा पांचवा स्टेप। अब थोड़ा सा इसको म्यूजिक पर करके देखते हैं कैसा लगता है।
कैसे लगे आपको हमारे पांच स्टेप, अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे अच्छे स्टेप देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे।